अस्सलामुअलैकुम। जैसा आपको पता है, इंडिया में शॉर्टेज है पानी। जैसा हमारे यहाँ 12 से 6 पानी नहीं आता, तो हम बकेट में पानी भर के रखते हैं और मग यूज़ करते हैं। सो आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग मग। हैंड स्प्रे प्रिफर करता हूँ, तो उसके लिए सल्यूशन है। जैसे आपके यहाँ भी पानी नहीं आता होगा, 10 से 4, 12 से 6, कोई भी टाइम हो सकता है आपके यहाँ, तो उसका एक सल्यूशन है। अगर आप हैंड शावर यूज करते हैं या हैंड स्प्रे। ये पानी को 2.6 मीटर तक लिफ्ट कर सकता है। 40 वॉट का वो है वाटर पंप। तो मैं अभी आपको ये बना के दिखाता हूँ। शायद इसका आपकी एक्सटेंशन भी लगेगा, क्योंकि मेरे बाथरूम में सॉकेट बहुत दूर है। इसका जो वाटर पाइप का डैन देख सकते आप, इसके वायर 1 मीटर होगा, तो बहुत कम है। आपको बना के दिखाता हूँ। पहले तो आपको ये जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट करना है। ये वाटर पाइप का लेंथ 1 मीटर से ज्यादा है। जितना कम लेंथ रहेगा ना वाटर पाइप का, उतना ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा। अभी बकेट में पानी भरते और देखते कैसा चलता है। ठीक है, बीच में हमारा बन गया वो, इसको नाम क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। हैंड शावर बकेट बोल लेते। ठीक है,
देखिए, एक्चुअली वाटर पाइप बड़ा हो गया है थोड़ा, पानी अभी आधा भरा हुआ है, पानी आ नहीं रहा, हम लोग पानी इसमें डालेंगे। ठीक है, अभी ट्राई करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। पहला वीडियो था मेरा, फोन से रिकॉर्ड किया, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और आपने ये नोटिस किया होगा, मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ब्लूटूथ ईयरफोन यूज़ कर रहा था रिकॉर्ड करने के लिए, पता नहीं बीच में ख़राब हो गया वो रिकॉर्डिंग के टाइम। वीडियो बनाने का टाइम देखा होगा, मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया था, ज़्यादा सेफ नहीं है वो, तो इसके लिए अगली बार मैं अगर बनाऊँगा सेम चीज़ इम्प्रूव करके बनाऊँगा, अपग्रेड करूँगा उसको, बैटरी लगाऊँगा रिचार्जेबल इसमें, ठीक है, वाटर प्रूफ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। Thank you.